नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशॉप। और सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जहां वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सांस्कृतिक महोत्सव में अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें। बच्चों के साथ संवाद करते हुए सबको शिक्षा, उत्तम शिक्षा, इसी पर आधारित अटल आवासीय विद्यालय। और यहां पर प्रधानमंत्री ने जो बच्चे मौजूद थे उनके साथ संवाद भी किया, विद्यार्थियों से मन की बात की। और आपने सुना भी, बच्चों ने अलग की एक अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे तो इन बच्चों ने उनका स्वागत किया। सबको शिक्षा, उत्तम शिक्षा को की प्रतिबद्धता जो है उसको दर्शाते हुए। और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कि देखिए किस तरीके से जो ये छोटे बच्चे मौजूद हैं यहां पर, ननिहाल हैं, उनके साथ संवाद किया। और एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं तापस का। तापस, हमने देखा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो बच्चे मौजूद थे उनके साथ संवाद भी किया है। जी, बात यही मैं बताना चाहता था कि इन बच्चों से मिलना था, क्योंकि ये खास तौर से ये जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो, जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर लेबरर्स के बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है कोविड में या फिर किसी और अन्य वजह से। संसद के इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना भारत की मातृशक्ति की सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। सचमुच पिछले 9.5 वर्ष के अंदर नई ताकत के रूप में भरते हुए भारत को दुनिया ने देखा है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में सब कार्य हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, हर भारतवासी देख रहा है, आपके नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। समाज के हर तबके के विकास के लिए जो कार्य योजना आपने बनाई उसको प्रभावी ढंग से कैसे लागू करना है, यह आपके नेतृत्व क्षमता से हम सब सीखते हैं, पूरा देश सीखता है, एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है। अभिनव योजनाओं को बनाना और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना, यह एक अद्भुत कला और अद्भुत नेतृत्व क्षमता आपकी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और आज इस चौथे कार्यक्रम में, यानी आपने देखा होगा 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने लैंडिंग की, उसके बाद दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित करने के बाद फिर दिल्ली से काशी में आए, काशी में आने के बाद पहले कजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाए जाने वाला उत्तर प्रदेश में पहले स्टेडियम है, काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहनों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर अभिनंदन का एक कार्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित था, उस कार्यक्रम में आपने भागीदारी की। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए राष्ट्र निर्माता बनने का
जिन्हें गौरव मिलना चाहिए था आजादी के बाद, उन श्रमिकों के बच्चों को आपकी प्रेरणा से अटल आवासीय विद्यालय की जो सौगात आपने उपलब्ध करवाई है, उन बच्चों के साथ संवाद। और अब उन विद्यालयों के लोकार्पण के साथ ही सांस्कृतिक कर्मियों का सम्मान। सांसद के रूप में भी एक जागरूक जनप्रतिनिधि को कैसे कार्य करना है, कभी सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का, कभी संस्कृति कर्मियों के लिए सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव, यह अपने आप में एक अभिनव पहल है। और इस अभिनव पहल के साथ काशी में संगीत की अलग अलग विधाओं ने जन्म लिया, लेकिन एक साथ किसी सांसद ने, किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक इन संस्कृति कर्मियों को पुचकारा हो, उनके साथ संवाद बनाया हो, उनको एक मंच दिया हो, यह अद्भुत भी पहली बार देखने को मिला है। लगभग 40,000 से अधिक कलाकारों ने इन सभी कार्यक्रमों में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और जनपद स्तर पर इन पूरे कार्यक्रमों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भाग लिया, जिसमें गायन भी था, वादन भी था, नृत्य भी था और नाट्य श्रृंखलाएं भी थी। अद्भुत कार्यक्रम था। लोक गाथाओं के साथ जोड़ने, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का एक अद्भुत प्रयास, कलाकारों को एक नया मंच आपने प्रदान किया है। इन सभी कलाकारों की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने परंपरा और संस्कृति को क्षुण्ण कैसे बनाए रखना है, यह उस पर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और मैं इस अवसर पर 18 अटल आवासीय विद्यालय, जो प्रदेश के अंदर पहला सत्र उनका प्रारंभ हो चुका है, उनमें से 16 तो बनकर के पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, दो अगले दो महीने के अंदर और पूरे तैयार हो जाएंगे। तो 18 अटल आवासीय विद्यालयों में पहला सत्र प्रारंभ हुआ है। मुझे याद है जब बीओसी बोर्ड के रूप में आपने मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया, और तब आपसे जब मैं मिलने के लिए गया था तो आपने कहा श्रमिकों के लिए क्या कार्य हो रहा है, और उस समय बीओसी बोर्ड के से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए इस प्रकार की परिकल्पना को साकार करने के लिए आपने आदेश दिया था, वह मूर्त रूप लिया है। और हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि श्रमिकों के बच्चे, कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराशित हुए थे, अपने अभिभावकों को जिन्होंने खोया था, ऐसे बच्चों को पहले सत्र में ऐसे 1400 बच्चों को प्रवेश इन अटल आवासीय विद्यालयों में दिया गया है, जो सभी 18 विद्यालयों में पहले सत्र में लेंगे। इसमें बालक और बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स पर जो आपका ध्यान है, स्पोर्ट्स पर भी, स्किल डेवलपमेंट पर भी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वहां के करिकुलम को आगे बढ़ाने के लिए भी इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। शिक्षकों का और सभी प्रकार का जो भी फैकल्टी वहां पर, उनका प्रशिक्षण का एक विशेष कार्यक्रम लखनऊ में पहले ही संपन्न हो चुका है। और यह सत्र आपके उद्घाटन के साथ ही ये सभी विद्यालय